तो कैसे हैं आप लोग? अब तो टिकटॉक बंद हो गया, मजा नहीं आ रहा। अरे बंद हो गया, आ रहा होगा मजा। और वो कौन था, वो लौड़ू इंसान कौन था? वो उसी वाला कह रहा था कि सब टिकटॉकर को आके यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और यूट्यूब वालों की छुट्टी कर देनी चाहिए। यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। अब बोल भोसड़ी वाले, बोल लोड़ू। अब बोल ले मर्डर चोर। यूट्यूबर्स की तो तुम लोग यूट्यूबर्स में तो कतई नहीं आते हो यार। ठीक है ठीक है। हाँ हम तो साले यूट्यूबर नहीं है, बैंड तो तुम ही हो। एक काम कर बेटा, थोड़ा नंबर वंबर ले ले मेरे से किसी के एचआर का, अपनी गांड मराओ वहां जाके भोसड़ी वाले, 10-20 हजार रुपए कम से कम मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, और वो ऐसे 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 मुम्मत बनाना साला गांड में बाबा सी रह गया, लैटरिंग तो निकलती नहीं है भोसड़ी वाले की। मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। गांड में उंगली करेगा तो स्मेल तो आएगी। टिकटॉक पहले एक बार बैन पहले भी किया गया था, पता नहीं साला फिर किस वजह से चालू कर दिया गया पता नहीं चला। ठीक है, और एक आपको पता है टिकटॉकर्स आया था, पहचान जाओ भोसड़ी वाले को, जिसने यूट्यूबर्स के बारे में बहुत कुछ बोला था। तो फिर कैरी भाई ने एक रोस्ट वीडियो बनाई, फिर उसकी टपा टप करके ली, टपा टप टपा टप टपा टप, मालूम ना। बस कैरी भाई ने फिर भी बोला था कि ये लास्ट वीडियो मेरी। ठीक है, उसके बाद फिर भी उसने बहुत ज्यादा बक बोला। और साले लौंडे तो है नहीं भोसड़ी वाले, छक्के हैं भाई चोर। तो कैरी भाई की कैसे भी करके वीडियो हटवा दी। वो कैरी भाई की वीडियो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही थी, पूरे देश का दिल दुखाया था, वीडियो के रॉक है पूरे देश का दिल दुखाया। फिर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही थी, कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की जो रूह भी चलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। फिर उसके बाद जो जनता का हुआ भाई साहब, पूरे एक हफ्ते में 7 दिन में 4.2 से उसकी रेटिंग 1.2 कर दी गई। और टिकटॉकर हैं साले, वो टिकटॉक वाले जो हैं माधव से पैसे वैसे भर के फिर से उसकी रेटिंग उठा दी, समझ रहे हो, फिर से उसकी रेटिंग उठा दी गई। अगर 2-3 दिन और रहती ना तो भाई साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड साला ऊपर हो जाता बैंड चोर। बस ये इन टिकटॉकर्स ने आके बकचोदी कर दी थी, नहीं रिकॉर्ड इंडिया में सबसे पहला होता जो टिकटॉकर जो रिकॉर्ड तोड़ता, बादशाह तो है ही है ये रोस्टेड के। अब आई हमारे देश की बात, हमारे देश के कुछ जवान शहीद हो गए थे, तो उन्हीं में से एक जवान है जिन्होंने कुछ बोला है, सुनिए। है चाइना बॉर्डर पालीन कोलोरियांग, और रोड जो है वो नहीं है, फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि एक जगह पर आने के बाद में रोड खत्म हो जाती है, उसके बाद में ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से हमें जाना होता। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका, और उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। तो फिर आए हमारे मोदी जी, जिन्होंने 59 चाइना ऐपों की गांड मार के रखी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। बस इतने दिन से क्यों वीडियो नहीं बना रहा था, टिकटॉक तो वैसे बंद हो गया, एक दो कितने दिन हो गए पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट कुछ दिल की थी बड़ा देश के लिए, तो उसके लिए कुछ बोल दिया। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
आगे भी लेके आऊंगा ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया कमाल की चीज, और सबकी टपा टप करके मारेंगे। ओके बाय।